मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र में बीते दिनों दलित नाबालिग लड़की के साथ निर्मम तरीके से हत्या मामले में पुलिसिया कार्रवाई तेज हुई है। अब तक बीते 24 घंटे पूर्व हुए इश्तेहार को चस्पा करने के बाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर चलवा दिया। इसके साथ ही कुर्की की कार्रवाई भी की गई है। हालांकि घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा, जिसके बाद पुलिस ने महज एक सप्ताह के अंदर आरोपी के घर कुर्की जब्ती करने पहुंची। पारू थाना अंतर्गत कांड दर्ज हुआ था, 274/24 कांड दर्ज हुआ था, जिसमें एक लड़की का हत्या का मामला था। उसका जो अभियुक्त हैं संजय यादव, वो पुलिस की गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं। इसमें अन्य जो अभियुक्त हैं उनका गिरफ्तारी हुआ है और माननीय न्यायालय से इश्तिहार लेकर के तामिला करा गया और आज माननीय न्यायालय से कुर्की लेकर के हमने आज हम लोगों ने कुर्की की कार्रवाई किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग से एसआईटी टीम का गठन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा वो लगातार छापमारी की रही कर रही है और आज हम लोग अभी एक कुर्की की कार्रवाई हम लोग बुलडोजर। इसमें अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक जो मुख्य आरोपी हैं जिनका नाम संजय यादव है, जिनके घर की आज कुर्की की गई, वो अभी फरार हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी करेंगे। बुलडोजर भी जेसीबी भी चला है क्या सर? वो कुछ प्रोसेस होती है जो करने के लिए कुर्की के लिए जो जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई और कुर्की आज की गई। आगे फिर किस तरह की अभी तो आरोपी सरेंडर किया नहीं? अभी भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और कुर्की एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है जो की गई। इसके अलावा भी अगर फरार हैं तो उनके खिलाफ लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और यदि हम लोग गिरफ्तार। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार के नेतृत्व में बसपा का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी ली और परिजनों को ढांढस बंधाया और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी लालजी मेघांकर, एडवोकेट सुरेश राव, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो के साथ प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। परिजनों से मिलने के बाद बसपा द्वारा मृतका के गांव से डीएसपी कार्यालय सरैया तक आक्रोश मार्च निकाला गया, जो बाद में सभा में तब्दील हो गया। वहीं बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा, परिवार के सामने बंदूक की नोक पर दलित छात्र को अगवा और बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या बिहार सरकार की नाकामी है। बिहार में सुशासन की सरकार नहीं, जंगल राज चल रहा है। मैं कहूंगा ये सरकार की फेलियर है कि इतना बड़ा घटना घटने के बाद और परिवार के लोगों ने बताया, परिवार के लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि उनके सामने उनकी बच्ची को बंदूक की नोक उठा कर ले गए और नेक्स्ट डे उस बच्ची के साथ में जो कृत्य हुआ आपने देखा, किस तरह से निर्मम हत्या की गई, लगता कोई वैसी दरिंदों ने हत्या करी है। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि सोने की जरूरत नहीं है, मेरा बहुजन समाज जाग चुका है। अगर आप अपराधियों को बचाने में लगे हैं तो ये बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और फॉरेंसिक टीम बुलानी चाहिए और मैं अभी आज प्रशासन से जाके मिलूंगा कि जो पोस्टमार्टम कराया है उसका पैनल के तहत हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या वीडियोग्राफी कराई गई कि नहीं कराई गई, इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए मैं ऊपर दिल्ली से आया हूँ और 100% इस बच्ची को हम न्याय दिला के रहेंगे और जो भी इसके पीछे अपराधी लोग हैं, जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी सजा देने का भी काम किया जाएगा। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है सुशासन बाबू सरकार में, बहन बेटी कितना सुरक्षित नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग ये घटना को लगभग 5-6 दिन होने जा रहा है लेकिन अभी तक कोई सुशासन नहीं है यहाँ पर, यहाँ जंगल राज चल रहा है और आप सभी लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअस यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, कंटिन्यूअस यहाँ बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। शासन प्रशासन सो रहा है, सरकार सो रही है, बस उन्हें अपनी सरकार चलाने में दिलचस्पी है लेकिन जनता के दुखों के तरफ ध्यान देने की जरूरत उनको नहीं पड़ रही है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकारों का वक्त आ गया है कि 2025 में समाज के लोग, गरीब लोग, गरीब बुर्गा भी बिहार का लोग रहता है, इनके बच्चों के साथ में अगर ऐसी घटनाएं की जाएंगी तो बेचारे कहां जाएंगे। मैं घर के अंदर जाके देख करके आया हूं कितने गरीब लोग हैं और उन्हें बताया कि इनके साथ इनकी बच्ची, इनकी बेटी के साथ में, बड़ी बेटी के साथ में और इनके दम की हत्या कर दी गई और उनके दामाद की भी हत्या कर दी गई, इसी परिवार से हत्याएं की गई हैं लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन इसको लेकर संज्ञान में गंभीर नहीं है। मैं उनसे बोलना चाहता हूं गंभीरता लेकर के आएं और जल्द से जल्द दोषियों को वहां पर गिरफ्तारी करने का काम करें। परिवार का आरोप है कि बीते 11 अगस्त को अधेड़ उम्र के संजय राय ने लालू छपरा की नाबालिग लड़की का घर से अपहरण कर उसके साथ
न केवल जघन्य तरीके से रेप किया था बल्कि उसकी निशंसता से हत्या भी कर दी थी। हत्यारे ने लड़की को मारने से पहले नाबालिग पीड़ित लड़की के साथ घिनौना और क्रूर व्यवहार भी किया था। मृतका की मां ने बताया था कि बलात्कार का आरोपी संजय राय अधेड़ उम्र का था और वो उसकी नाबालिग लड़की से शादी करना चाहता था। इसी को लेकर उसने लड़की को सोए अवस्था में उठा लिया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। वहीं मामले में पुलिस कप्तान SSP राकेश कुमार ने बताया कि अब तक जांच के दौरान दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। लड़की के शरीर में सिर और हाथ पर चोट के निशान हैं, प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। डॉक्टरों के अनुसार पोस्टमार्टम और इंक्वेस्ट रिपोर्ट में कहीं भी शरीर के किसी प्राइवेट पार्ट में कोई चोट नहीं पाई गई है। वहीं लड़की के शरीर से अन्य जांच के लिए नमूना एकत्र कर जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।